नीतिवचन अध्याय 27 नीतिवचन अध्याय 27 कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी है। क्रोध को क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति के कारण मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना, क्योंकि प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वालों को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते हैं और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक भी वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को उच्च शब्द से आशीर्वाद देता है उसके लिए यह शाप गिना जाता है। झड़ी के दिन पानी काल गतार टपकना, और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से है। जो उसको रोक सके वह वायु को भी रोक सकेगा, और दहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख से मिलती है वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। जैसे अधोलोक और विनाशलोक वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्टी है वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मुसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जानेगी। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती। और क्या राजमुगुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है? कटी हुई घास उठ गई, नई घास दिखाई देती है। पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की गई है। भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए है, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा, और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी लौंडियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा।